इंदौर शहर में प्रेम प्रसंग में कई हत्याएं हो चुकी हैं और इनका सिलसिला भी लगातार जारी है। कल खजराना थाना क्षेत्र में युवती का रक्त रंजित शव मिला था, जिसकी शिनाख्त अनीता झामरे निवासी खरगोन के रूप में हुई थी। बताया जा रहा है कि युवती की उसके प्रेमी ने ही हत्या कर दी है। खजराना थाना क्षेत्र के बाईपास पर युवती की गला रेतकर अंधे कत्ल के मामले में डीआईजी ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान अनीता झामरे निवासी खरगोन के रूप में हुई है। मृतका को उसके प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया है। युवती अपने प्रेमी पर शादी का दबाव बना रही थी और प्रेमी उससे शादी नहीं करना चाहता था। पुलिस ने हत्यारे नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। कब से संबंध है आप लोग? एक डेढ़ साल हो गए। क्या नाम था इसका? दो तारीख की सुबह का सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें का अज्ञात युवती का इसमें हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। घटना चौंकाने वाली इसलिए थी कि वो सड़क पर एक तरफ बड़ी क्रूरता से उसकी हत्या हुई थी और इस पूरे मामले को पुलिस ने गंभीर चुनौती के रूप में लिया। खरगोन से एक व्यक्ति ने इसकी पहचान तय की, यह उनसे संबंधित वहाँ से संबंधित ये महिला है और कुछ दिनों से यहाँ पे इंदौर में वो रह रही है। यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पर कार्य के लिए मुक्त टिफिन सेंटर में वो काम करती थी। पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग था। पुलिस ने उसमें बड़े स्तर पर उस जगह भेजा जहाँ पर इनका रहना पाया गया, लेकिन वहाँ रहने में पाया गया कि वहाँ पे दो तीन चार दिनों से वो कहीं और रह रही है। तो युवक ने धोखे से घुमाने को ले जा करके उस जगह पे मोटरसाइकिल से दोनों गए और वहाँ पर जा करके जो एक तेज धार हथियार से गले को काट दिया था। तो इसमें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, वहाँ गले में काफ़ी तेज चोट थी, जिसके कारण तत्काल उसमें जान चली गई। लेकिन इस पूरी घटना में चूँकि अज्ञात मामला था, महिला अज्ञात थी और साथ ही साथ इस घटना से जुड़ा कोई भी तथ्य उसमें पता नहीं था, इसलिए चुनौतीपूर्ण था और पुलिस ने इसे तत्काल न सिर्फ पहचान किया बल्कि इसमें सभी जो मुख्य आरोपी और एक ही है इसमें मुख्य आरोपी, बाकी इसमें पीछे इसके पीछे कोई नहीं है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। वह नरेंद्र नाम का व्यक्ति है, नरेंद्र सोनी, जो कि ग्वालियर का रहने वाला है, कुछ दिनों से यहाँ पर रह रहा है, लगभग एक वर्ष से उसके संपर्क में है और साथ ही साथ उसने पूरा आरोप भी कबूल किया है। उससे वो तेज धार हथियार जो कटर है वो भी इस्तेमाल हुआ इस घटना में, उसे भी जब्त कर लिया गया है। इसे सनसनीखेज मामले में चिन्हित किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें जो भी टीम ने काम किया है, पूरी टीम जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, जो CSP हैं खजराना, जो थाना प्रभारी खजराना है, जो बाकी पूरी टीम है, सबको इसमें टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें 20,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया।